तो आज सुबह सुबह ही सारा प्रसाद बनना चालू हो गया है, बिकॉज आज है जन्माष्टमी। तो धीरे धीरे हम सारे प्रसाद बनाते जा रहे हैं और साइड में बाकी जो सारे काम हैं वो करते जा रहे हैं। तो हमारे घर में अगर इंस्टेंट दूधी का हलवा बनाना हो तो हम ऐसे कुकर में ही बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरीके से। तो जन्माष्टमी के दिन हमारे जो डेली मॉर्निंग की जो पूजा होती है, हम सुबह उसी तरीके से पूजा करते हैं और लाला को उन्हीं के आसन पर बैठे रहने देते हैं। और यहाँ मैंने पूजा के सामान निकाल लिया है और अब मैं बनाने वाली हूँ स्वांग के चावल की खिचड़ी, जो हम फास्टिंग में खाएंगे क्योंकि आज सबका व्रत होता है। तो कोई व्रत निर्जला रखता है, कोई फलाहार खा के रखता है, तो हमने आज बनाया है स्वांग के चावल और बहुत ही टेस्टी और अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ये कैसे बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 3 या 4 टमाटर है जिसे मैं बारीक कट करके रख ले रही हूँ। कद्दू मैंने आपने देखा, लौकी उसे मैंने कट कर लिया। अब तेल गरम करके इसमें हम डालेंगे जीरा। बहुत कोई घी भी खाते तो आप घी भी डाल सकते हैं। फिर इसमें आप डाल दीजिए हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और फिर इसको थोड़ा अच्छे से चलाइए ताकि ये जो है वो अच्छे से पक जाए। एंड देन फिर हम जो लौकी है उसे डाल देंगे। हम फास्टिंग के टाइम पर लौकी खाते हैं तो इसीलिए मैं लौकी का बना रही हूँ। हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। ज़्यादा आलू फिर वो दिन भर सुबह आलू आलू हो जाता है तो इसीलिए लौकी का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से जब ये आधी पक जाए, पूरी नहीं, जब ये आधी पक जाए तब इसमें आप डाल दीजिए नमक और धनिया जीरा। ये हम लोग फास्टिंग के लिए अलग से रखते हैं, धनिया जीरा। स्वांग के चावल में ना थोड़ा ज़्यादा धनिया जीरा डालना पड़ता है ताकि इससे टेस्ट आए। तो मैं यहाँ पर 3 बड़े चम्मच जो है वो डाल रही हूँ वह धनिया, और इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ स्वाद अनुसार बस। और इसे आप चला दीजिए। ये घी में भी बहुत टेस्टी लगता है, अगर आप चाहें तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं, जो घी में खाते हैं वो। नमक यहाँ पे मैंने सिंधा नमक यूज़ किया है जो फास्टिंग में यूज़ करते हैं। जब इसको चलाने के बाद अब आप इसमें डाल दीजिए टमाटर, और टमाटर को भी अच्छे से चला कर इसे आप 2 से 3 मिनट के लिए ढक दीजिए। तब तक मैंने जो यहाँ पे मूंगफली जो अलग से थोड़ी से निकाल के रख दी थी, जो मैंने पाक बनाया था उससे, अब मैं इसे भी पीस ले रही हूँ और इसे साइड रख दे रही हूँ। अब देखिए हमारा जो लौकी और कद्दू है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। थोड़ा प्रेस कर देती हूँ ताकि वो अच्छा सा फाइन पेस्ट जैसा दिखे। और अब स्वांग चावल जो भी हम कटोरी लेते हैं, जो वैसे एक कटोरी अगर स्वांग चावल ले रहे हैं तो उसे ट्रिपल हमें पानी डालना पड़ता है क्योंकि ये पकता है और इसमें बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो मैंने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 ग्लास भर के पानी डाला है। अब देखिए ये अच्छे से उबल चुका है। अब जो हमने स्वांग चावल जो हम लोगों ने धो के रखे थे उसे हम डाल देंगे इसमें। आप चाहे तो स्वांग चावल जैसे 15-20 मिनट पहले वॉश करके रख सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए, और अगर आप ऐसे फ्रेश डालना चाहते हैं तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा पानी आपको ज़्यादा लग जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्वांग चावल डाल दिए हैं और अब मैं जो है इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करके अब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। 5 मिनट के बाद ये देखिए इस तरीके से अच्छे से ये पक जाते हैं और जितना पानी था वो सारा पानी पूरा सूख चुका है। अच्छे से मिक्स करने के बाद जो हमने मूंगफली जो हम लोगों ने ग्राइंड की थी वो मूंगफली आप इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छे से चला दीजिए। और लास्ट में आप इसमें डाल दीजिए नींबू। यहाँ पे मैंने 1 नींबू डाला है खट्टा के अकॉर्डिंग, मैंने यहाँ पे 1 नींबू डाला है, ज़्यादा डाला नहीं है क्योंकि मेरे घर में फिर कोई ज़्यादा खाएगा नहीं वैसा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 नींबू डाला है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए तो आप 1.5 नींबू भी डाल सकते हैं। एंड देन फिर इसमें आप डाल दीजिए हरा हरा धनिया। तो ये हमारा जो लंच है वो रेडी हो चुका है। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ, दोपहर हो चुकी है, सारा काम ख़त्म हो चुका है, साथ में प्रसाद बनते जा रहा है जैसे कि आपने देखा, और आज बनाया है स्वांग की चावल, फास्टिंग है इसीलिए।
तो वो भी आपने देखा। तो अभी ऑलमोस्ट सारा काम खत्म हो चुका है, अब हम प्योरली करेंगे इधर लाले के बर्थडे की तैयारी, मतलब डेकोरेशन सजावट करेंगे। तो मैं चाहती थी कि मैं एक बार कुछ फ्रेश फ्लावर्स के साथ कुछ उनका करूँ, डेकोरेशन करूँ। तो मैं जा रही हूँ, मैं पहले फ्लावर्स लेके आती हूँ, उसके बाद हम डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे। साथ में अभी पंजरी और वो सब प्रसाद बनाना भी बाकी है, तो वो सब वहाँ से आने के बाद इधर प्रसाद भी बनाते जाएंगे जो थोड़ा बहुत है, और इधर डेकोरेशन भी करते जाएंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगी, फिर उनके कपड़े निकालने हैं और उनको उनके लिए पंचामृत बनाना है, उनके स्नान कराने के लिए। सो बहुत कुछ है, मतलब आज का पूरा दिन ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ जा रहा है, बीत रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, जल्दी जल्दी टाइम पार होते जा रहा है। तो मैं फटाफट पहले जाके मार्केट जाके पहले मैं पूजा का सामान लेके, पूजा का सामान इन द सेंस फूल लेके आती हूँ, और डेकोरेशंस के लिए कुछ देखती हूँ कैसे करना है क्या करना है। तो जैसा भी होगा मैं आपको दिखाते जाऊँगी। तो चलिए फटाफट पहले मैं मार्केट जाके आती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और ये सारा सामान लेकर आई हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, बहुत बारिश, थोड़ा भी आपको सही दे रहा होगा, डम डम बज रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो बहुत मुश्किल से पहुँचे हैं। जब गए थे तो लगा ही नहीं था कि बारिश आएगी, बट सडनली पता नहीं कैसे बीच में बारिश आ गई है, तो कपड़े जो हैं वो थोड़े थोड़े भींग चुके हैं। वैसे भी मार्केट से आई हूँ, तो अभी फटाफट पहले कपड़े करूँगी चेंज, और उसके बाद फिर हम करेंगे तैयारी। तो मैं फटाफट से पहले कपड़े अपने चेंज कर लेती हूँ, एंड देन फिर हम करते हैं तैयारी। तो फ्रेश होने के बाद जो पंजरी बची हुई थी धनिए की, वो पंजरी बना रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, मैं ना बहुत ही इंस्टेंट पंजरी बनाती हूँ रोस्ट करके। बाकी तो हम लोगों ने इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी डाली हुई है, मतलब ऑलरेडी हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीज़ का बहुत कुछ यूज़ किया है। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजरी को रोस्ट करके, ग्राइंड करके चीनी और घी ही डालती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, बाकी इसमें और कुछ ऐड नहीं करती हूँ। और साइड में मेरी मखाने की खीर बची हुई थी, तो मैंने फटाफट से थोड़ी सी मखाने की खीर भी बना ली है। तो इस तरीके से लगभग मेरी जो जितनी सामग्री थी वो सारी बन चुकी है। और खीर बनाते समय याद है कि अचानक हलवा बाकी था, तो हलवा भी बना लिया। और ये देखिए, हम लोगों ने कटोरी और थाल सजा के रेडी कर ली है। मक्खन के लिए वो मटका रख लिया है जिसमें हम कान्हा जी का फेवरेट मक्खन डालेंगे। और फिर अब हम पहुंच गए डेकोरेशन के लिए। तो जैसे कि मैंने हमेशा सुना है कि कान्हा जी का जो फेवरेट कलर है वो ऑरेंज होता है, तो इसीलिए मैंने उसी कलर का जो आज डेकोरेशन करने का सोचा है। तो इस तरीके से मैंने एक टेबल लगा ली है और पीछे कार्डबोर्ड का यूज़ किया है ताकि मेरा जो बैकड्रॉप है वो बहुत अच्छे से बन जाए। जैसे कि मैंने बोला था, मैं कुछ फ्रेश यूज़ करना चाहती थी, फ्रेश फ्लावर्स, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं थोड़ा बहुत पहले सेटिंग कर लेती हूँ। फिर मैंने क्या किया है ना, मैं जब गई थी फूल ख़रीदने तो मुझे पान के पत्ते दिख गए थे, तो मैं पान के पत्ते लेके आई हूँ। तो मैंने पान के पत्ते को डबल साइडेड टेप से पूरा अच्छे से चिपका लिया है। और फिर मैंने टेप की हेल्प से बीच बीच में फ्लावर्स लगा दिए हैं। हाँ।
हम अपने लाला के वस्त्र की थाल सजाएंगे कि उनको हमको किससे श्रृंगार करना है, तो वो अब हम थाल सजाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वो थाल सजाते हैं। डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है, पर अभी सबसे पहले हम लाला के कपड़ों की थाल सजाते हैं। तो मैं ये प्यारा सा अपने छोटे लाले के लिए लेके आई हूँ। बहुत हैवी लग रहा था, लेकिन अभी उनका बर्थडे है तो थोड़ा सा हैवी पहनाना तो बनता है। फिर मैं उतार दूँगी, बट थोड़े देर के लिए तो बनता है ना बर्थडे में हैवी पहनाना। और बहुत छोटे से, इसीलिए उनके हाथ की कटली वगैरह ज़्यादा कुछ लिया नहीं, सिर्फ पतला सा छोटा सा मुकुट लिया और माला ही लिया, और ज़्यादा कुछ उनके लिए लिया नहीं, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। और ये जो ड्रेस है ये मेरे बड़े लाले के लिए है, और इनका मैचिंग का पूरा मैंने लेकर आई थी, वो लगा दिया, वो रख दिया है। और ये मोरपंख, इनके बिना तो उनका श्रृंगार अधूरा है, तो ये मोरपंख छोटे छोटे से मुझे दिख गए और मैं ले आई। और मैंने थोड़ी सी थाली में पेटल्स और सजा रख दिए हैं ताकि पूरी थाली में अच्छी सी खुशबू आए, और मेरे लाले की थाली हो गई है बिल्कुल तैयार। जी हाँ, अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट काम जो है फाइनल कंप्लीट। और सबसे पहले हम करेंगे आरती की थाली तैयार। तो यहाँ पे मैंने आरती की थाली भी तैयार कर ली है, एंड ये है फाइनल लुक जो हमने सजाया है। तो हमने 55 मिनट बना लिया, और अब 11:30 बजे दरवाज़ा हमने हल्का सा बंद कर दिया। मीठी रस से भरो, मीठी रस से भरोणी राधा रानी लागे, राधा रानी लागे मने कारो कारो यमुना किनो लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी, कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में धूम मचा बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। हो नंद गया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद गया भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद गरानंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा जय कन्हैया लाल की। केसर गोरी स्नान कराऊं श्यामड़ा ओ चोरी, लाड लड़ाऊं श्यामड़ा आमड़ा, हल्के हाथे अंगो चोरी, लाड लड़ाऊं श्यामड़ा। यमुना जल केसर घोड़ी स्नान कराऊं श्यामड़ा, तेल सुगंधी
वाकड़िया तुझ वाड़मा वालमा हसती जाऊं वाते गाते नाची उठूं तालमा नजर न लागे श्याम सुंदर ने टपका करी दो गालमा पगमा झांझर रुशोभता जालमा निरखी शोभा राखो चरणे श्यामरा બિલાલા ગોરા થઈ ગયા, દહીં દહીં આવ્યું ને એટલે આજો આ કેવો ગોરો થઈ ગયો. જરાક મોટું થાય કપડું છે, મારા સાથે આટલો અત્યાચાર કર, જળ ચંદન લગાડજો. બસ ને એને કાનના કુંડળ તો પહેરાવાના, નોર્મલ વાળા તો બર્થડે ના વસ્ત્ર મજા નો આવે. આ તું ઓલા લાલાનું છે એ એલે લાલો મુગટ બહુ સરસ છે. ઓલું પોતે ટેઢો ને મુગટે ટેઢો હોય છે ને, કે છે ને કૃષ્ણ ભગવાન મુગટે ટેઢો પહેરવો ગમે છે. એ મેરે દોનો લાલા હો ગયે રેડી. નીચે થી ઉપાડે तो ये हमारे जो दोनों लाला है हमने उनको झूले में बैठा दिया है और अब हम झूला झुलाएंगे. तो लग रहा है ना दोनों प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से मस्त एकदम तैयार व्यार होके माला वाला पहन के हमने इनको बैठा दिया है और अब हम झुलाएंगे झूला और इनकी थाल सजाएंगे भोग की और करेंगे इनकी आरती. आ गया प्रसाद ठंडी तुम्हारे का मुखवास करो ने मोरा रे मारे प्रेम ने थाळी जड़ जमना ने झारी भराऊ आचमन करो ने मोरा रे मारे प्रेम ने थाळी. ये हो गया लालू का बर्थडे का. तो ये थी हमारी जन्माष्टमी की पूजा जो हमने की. अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें से कुछ पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो व्लॉग्स आप लोगों के लिए बना सकूँ. तो मैं मिलूँगी आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.